आप जदयू के उपाध्यक्ष, युवा जदयू जिला उपाध्यक्ष हैं सनवाद। आप ये क्या कह सकते हैं इस रैली के बारे में? ये आज की जो रैली है, सबसे पहले तो मैं गोपाल जी ठाकुर को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हमारे एनडीए के प्रत्याशी माननीय गोपाल जी ठाकुर जी का नामांकन होने जा रहा है। उससे पहले हम लोग दरभंगा ही के राज मैदान के नज़दीक मनोकामना मंदिर से पूजा अर्चना करने के बाद हम लोग कर्पूरी चौक की ओर जा रहे हैं, पूरी सभा के साथ, पूरे रैली के साथ। उसके बाद वहाँ के बाद 12:30 बजे हम लोगों का वो क्या कहते हैं नामांकन होना है प्रत्याशी का। आप लोगों का कितना समर्थन है? हम लोग का तो फुल समर्थन है जी। पूरे दिल से, तन से, मन से एकदम समर्थन है गोपाल जी ठाकुर के प्रति। खासकर युवा जदयू दरभंगा जी जान से मेहनत कर रही है प्रचार प्रसार से लेकर के हर कुछ में। और आप लोग के मीडिया के माध्यम से भी, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख ही रहे हैं, हमारे एनडीए के प्रत्याशी हो या हमारे प्रदेश के नेतागण हो, सब देख रहे हैं कि युवा जदयू ही एक दरभंगा में है जो कि एनडीए के प्रत्याशी के लिए जी जान लगा रहे हैं। आप लोगों ने बीजेपी के साथ मिले जी, उन लोगों का आप लोगों के साथ कितना सपोर्ट है, आपका कितना सपोर्ट? बहुत बहुत ही सपोर्ट उन लोगों का भी है, इसमें कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एनडीए के प्रत्येक जो भी गठबंधन में नेता है, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी, हम लोग सब एक ही विचारधारा के हैं। हम लोग विकास के साथ काम करने का काम करते हैं। आज आप लोगों ने यहाँ पे बीजेपी के साथ मिलकर आप लोग गोपाल जी ठाकुर जिताने जा रहे हैं जी। गोपाल जी सरकार बनाने आप लोग कितना योगदान रहा? देखिए, अभी जो इस चुनाव का माहौल है, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है जी। और पिछले 5 साल में, चाहे वो बिहार की बात हो या सेंट्रल की बात हो, मतलब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का काम हुआ है, उस काम को लेकर के हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मत से इस बार गोपाल जी ठाकुर जी चुनाव जीतने का काम करेंगे। आप लोगों का कितने प्रदर्शन है, आप लोगों का आदमी जो आप लोगों के साथ हैं, कितने लोगों के भारी मत से कितने प्रत्याशी? आज जो नॉमिनेशन का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में लगभग 50,000 कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, 50,000 की संख्या में कार्यकर्ता आज इस नॉमिनेशन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं जी। अभी यहाँ मंदिर से बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर के जो हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो निकले हैं। कर्पूरी चौक पर सभा होनी है, सभा में हम लोगों को उम्मीद है कि 1 लाख के लगभग लोग सभा में रहेंगे। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का। नामांकन कितने बजे किया जाएगा? नामांकन का समय 12:30 बजे का है जी। यहाँ से हम लोग अभी सब अपने अपने साधन से निकले हैं, कर्पूरी चौक पर सभी लोग फिर से इकट्ठा होंगे और वहाँ से पैदल कलेक्ट्रेट तक जाना है। और 12:30 बजे का समय है नामांकन का, और नामांकन के बाद फिर कर्पूरी चौक पर ही जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता भी आ रहे हैं जो वहाँ सभा को संबोधित करेंगे। धन्यवाद।